वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको सभी अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल पे। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 49,568 वाली वैकेंसी के रिजल्ट के बारे में, क्यों आपका रिजल्ट लेट हो रहा है। इसके लिए इन्होंने यहाँ पर एक न्यूज़ जारी की है आज के न्यूज़पेपर में, जो आपका अमर उजाला का न्यूज़पेपर है, वो मैं आपको पूरी डिटेल में न्यूज़ दिखाऊंगा। तो और कहां पर आपके DPST कराए जाने हैं और कब तक ये रिजल्ट आपका जारी हो सकता है, तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में डीपली हम यहां पर चर्चा करने वाले, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे वेट कर रहे हैं इसके रिजल्ट की। काफ़ी लाखों की संख्या में इसके रिजल्ट को लेकर यहाँ पर चिंतित है लोग, क्योंकि इसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक बार कहना चाहूँगा, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड छोटी छोटी अपडेट मैं विद प्रूफ आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मुझे, और कोई भी आपका डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप सभी लोगों की रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का डिस्कशन। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, लाखों की संख्या में बच्चे इस 49,568 वाली जो वैकेंसी आपकी यूपी पुलिस की, इसके रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग एक साल इसकी वैकेंसी को रनिंग में होते हुए हो गया, क्योंकि अक्टूबर में आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ओपन हुए थे, उसके बाद जनवरी में इसका पेपर हुआ था, और उसके बाद जो आपका रिजल्ट है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बच्चे चिंतित हैं कब आपका रिजल्ट जारी होगा। यहाँ पर ये आपकी डेट पर डेट बढ़ाए जा रहे हैं, भर्ती बोर्ड की तरफ से आपको यहाँ पर डेट पे डेट दी जा रही है कि इस महीने आपका रिजल्ट जारी होगा, सितंबर अक्टूबर, ये यहाँ पर आपको बताया गया था। तो आज के न्यूज़पेपर में भी इससे रिलेटेड एक आर्टिकल छपा है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ क्या कुछ इसमें इन्होंने बताया कि क्यों यहाँ पर ये रिजल्ट आपका जो है वो जारी नहीं कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कटिंग देख लेते हैं क्या कुछ इसमें आपके लिए दिया गया है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये अमर उजाला की न्यूज़पेपर की एक कटिंग है, जो आज ही की डेट का न्यूज़पेपर है। तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, लखनऊ के न्यूज़पेपर में आप चेक कर सकते हैं अमर उजाला का जो न्यूज़पेपर है। इसमें यहाँ पर दिया गया है, प्रशिक्षण अक्षमता कम होने से रिजल्ट जारी करने में हिचकिचा रहा है भर्ती बोर्ड। तो ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जिनके पास ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, तो इस कारण से ही आपका रिजल्ट जो है वो लेट किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो आपके PSC वाले कैंडिडेट्स हैं 41,520 वाले, उनकी ट्रेनिंग होनी है जो लगभग कन्फर्म हो चुके हैं। कल भी एक नोटिस जारी हुआ था बोर्ड की तरफ से 30 अक्टूबर को कि जो भी आपके 4 दिसंबर से आपकी थोड़ी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा कराई जा रही है, उनको जो भी फॉर्मेलिटीज है वो कराई जाएगी। तो इससे इन्होंने बता दिया था कि 15 दिसंबर तक आपकी जो JTC है वो शुरू कराई जानी है। तो ये तो कन्फर्म हो चुका था कि जो उनकी ट्रेनिंग है वो दिसंबर में शुरू होने वाली है PSC वाले कैंडिडेट्स की। तो आज इन्होंने क्या लिखा है आपके लिए, मैं यहाँ पर पढ़ के सुना दूँ आपको। पिछले वर्ष अक्टूबर में सिपाही 49,568 पदों के लिए शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया थम सी गई है। जनवरी में हुई परीक्षा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड रिजल्ट अभी तक जारी नहीं कर सका है। इसकी वजह ही बताई जा रही है कि सिपाहियों के प्रशिक्षण के लिए फिलहाल जगह खाली नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो आपके ट्रेनिंग सेंटर हैं इतनी ज़्यादा संख्या में इनके पास नहीं है कि इतनी ज़्यादा संख्या में आपकी ट्रेनिंग करा सकें, क्योंकि अभी 41,520 वैकेंसी हुई है, इससे पहले 2013 की आपकी वैकेंसी हुई थी, और साथ ही साथ काफ़ी सारी वैकेंसी जो पहले रुकी हुई पड़ी थी, जो आपकी कोर्ट में पड़ी थी, वो भी क्लियर की है इन्होंने, और अब यहाँ पर आपकी 49,568 वाली ये वैकेंसी है। तो इतने इनके पास ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, UPSI की भी अभी यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है, तो इस कारण से जो आपका रिजल्ट है वो जारी नहीं किया जा रहा है। हालांकि भर्ती बोर्ड का दावा है कि रिजल्ट घोषित करने के साथ ही दिसंबर तक अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन और दौड़ पूरी करा दी जाएगी। तो दिसंबर तक का मतलब मैंने आपको बताया था कि नवंबर में आपके DPST होने बताए गए थे, उसके बाद दिसंबर में आपकी जो है दौड़ जो आपका फिजिकल है वो कराया जाना है। तो ऐसा भी भर्ती बोर्ड अभी भी यहाँ पर कह रहा है कि जो आपकी जो रिजल्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट ये कर लेंगे फिजिकल करा के आपका दिसंबर तक, हालांकि ऐसा होना अभी तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा कि ऐसा कर देंगे। आगे इन्होंने बताया है, सूत्रों का कहना है कि सिपाही भर्ती 2018 में 41,520 पदों पर जो भर्ती हुई थी, जो यहाँ पर आपकी पिछली वाली वैकेंसी थी, उनका प्रशिक्षण अभी पूरा नहीं हो सका है। मौजूदा समय में 23,000 अभ्यर्थी प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर प्रशिक्षण ले रहे हैं, इनका 6 माह का प्रशिक्षण अगले महीने पूरा हो रहा है। तो आपके जो यहाँ पर सिविल वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी जो ट्रेनिंग है वो दिसंबर माह में यहाँ पर आपकी समाप्त हो जाएगी, जो उनकी RTC अभी यहाँ पर कंटिन्यू चली हुई है। इसके बाद शेष अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, जो आपके PSC वाले कैंडिडेट्स हैं 18,000 कैंडिडेट्स जो आपकी वैकेंसी थी, उसके बाद वो यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग पर जाएंगे, जो अगले वर्ष मई जून में पूरा होगा, यानी कि जो इनकी ट्रेनिंग है वो यहाँ पर जाके पूरी होगी मई और जून 2020 तक। ऐसे में अक्टूबर 2018 भर्ती की का परिणाम घोषित करने और दस्तावेजों को सत्यापन दौड़ कराने के बाद प्रशिक्षण के लिए दबाव बढ़ जाएगा, यही वजह है कि भर्ती बोर्ड लिखित परीक्षा का परिणाम जारी नहीं कर रहा है।
तो उन्होंने यहाँ पर आपको साफ साफ रीज़न दे दिया है कि हमारे पास अभी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, इसलिए हम अभी तक आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी नहीं कर पाए हैं। लेकिन इन्होंने साथ ही बताया है कि दिसंबर तक ये चीज़ें आप यहाँ पर पूरी भी करा देंगे, यानी कि जो आपकी DUPST है और साथ साथ जो आपका फिजिकल है, जो आपकी रनिंग वगैरह होनी है, वो ये दिसंबर तक कम्प्लीट कराए जाने की बात कर रहे हैं। तो आप ऐसा मान के चलिए कि नवंबर में आप जो आपका DUPST है, जो आप अभी आप नवंबर स्टार्ट होने वाला है कल से, तो यहाँ पर नवंबर के मिडल में आप अपना रिजल्ट मान सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट है वो जारी किया जा सकता है बोर्ड के द्वारा, जो आपकी मेरिट लगाई जाएगी स्टार्टिंग में। उसके बाद जो आपके DUPST कराए जाने हैं वो नवंबर के लास्ट में आप मान सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन का काम ये नहीं है DUPST कराने के लिए, एक एक दिन में यहाँ पर आपके DUPST ख़त्म कर देंगे। इनके DUPST के लिए उन्होंने यहाँ पर बताया है, DUPST के लिए एजेंसी से मांगा प्लान, तो उन्होंने यहाँ पर जो आपकी प्रक्रिया है वो यहाँ पर चलाई हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने कहा कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी से DUPST के लिए प्लान मांगा है, ताकि लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित कर उन्हें DUPST के लिए बुलाया जा सके। हालांकि यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों का इंतजार करना पड़ेगा। प्रशिक्षण निदेशालय तय करेगा कि कब कितने अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि जो DUPST के लिए एजेंसी को से इन्होंने यहाँ पर प्लान मांगा गया है इनके द्वारा, कहने का मतलब ये है कि जो आपका रिजल्ट है वो तो अभी जारी हो जाएगा 2019 में ही, यानी दिसंबर तक आपकी सभी ये चीज़ें करा ली जाएँ। हो सकता है कि दिसंबर तक आपकी DUPST ही करा जाए, लेकिन जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल इसी साल जारी हो जाएगा। अब इन्होंने इसके बाद बताया कि जो आपकी ट्रेनिंग होनी है उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि मई जून में इन्होंने बताया है कि 2020 में PSC वाले कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग ख़त्म होगी, उसके बाद ही आपकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट की जा सकती है, और वो भी यहाँ पर सिविल पुलिस वालों के लिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 49,000 सारे कैंडिडेट्स को आपको एक साथ ही ट्रेनिंग पे भेज दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस बार भी जो आपके सिविल वाले कैंडिडेट्स हैं वो अलग ट्रेनिंग पे जाएंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद PSC वाले कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके यहाँ पर PSC में नंबर आता है तो आपको जो अपनी ट्रेनिंग के लिए लगभग आप एक साल का यहाँ पर समय मान के चलिए, क्योंकि एक साल बाद ही आपकी ट्रेनिंग होगी अगले अक्टूबर के आसपास या नवंबर के आसपास, अगर आपको यहाँ पर PSC में सिलेक्शन होता है। अगर यहाँ पर आपका सिविल में सिलेक्शन हो जाता है तब आपकी ट्रेनिंग जो है वो जून जुलाई के आसपास स्टार्ट कर दी जाएगी। फिजिकल के लिए इन्होंने यहाँ पर बताया आपको जोनल मुख्यालयों पर ही होगी दौड़, तो यहाँ पर जो आपके डिस्ट्रिक्ट सेंटर हैं वहीं पर आपकी दौड़ कराई जाएगी, जैसे यहाँ पर आप इन्होंने पहले करा था। विश्वकर्मा ने बताया कि DUPST सभी जोनल मुख्यालयों पर ही कराई जाएगी, जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी आपकी होम डिस्ट्रिक्ट पर ही होगी, जैसे कि पहले इन्होंने यहाँ पर की थी। पहले इसे रेंज स्तर पर कराने की योजना थी, लेकिन परीक्षा कराने वाली एजेंसी ने इसे असमर्थता जताई। उन्होंने बताया कि लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने के साथ ही अभ्यर्थियों को DUPST के लिए दिन, समय और जगह के बारे में बता दिया जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि जो आपका DUPST करा जाना है उसके लिए यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही ये करा दिया जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक या दो दिन पहले ही अपने DUPST का पता लगे कि अब आपका DUPST है, DUPST पर ही तुरंत आपको पता लग जाएगी कब तक आपका फिजिकल करा जाना है। इन्होंने यहाँ पर साफ किया है कि जो आपकी DUPST के लिए दिन, समय और जगह के बारे में इनको बताया जाएगा, वो लिखित परीक्षा के परिणाम के बाद ही ऐसा बताया जाएगा। जो आपकी मेरिट जारी होगी, लिखित परीक्षा के परिणाम से मतलब यही है कि जो आपकी मेरिट लिस्ट लगती है जब भी वो जारी हो जाएगी उसके तुरंत बाद आपको ये चीज़ें आप बता दी जाएंगी कि किस डेट में और कहाँ पर जो आपका है DUPST करा जाएगा। अब काफ़ी सारे बच्चों के माइंड में एक डाउट और होगा कि DUPST के कितने दिन बाद तक आपका फिजिकल करा जाएगा, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि DUPST के लगभग एक महीना आप मान के चलिए कि एक महीना तो बिल्कुल आपको देने वाले हैं, 20 से 25 दिन तो आप बिल्कुल मान के चल सकते हैं कि दिसंबर में अगर इन्होंने आपकी रेस कराई तो नवंबर में आपके DUPST होंगे, तो दिसंबर के लास्ट तक आप मान सकते हैं कि जो आपकी JTC है इनकी PSC वालों की, वो JTC पे चले जाएंगे, उसके बाद ही शायद ये फिजिकल कराएंगे। उससे पहले फिजिकल कराए जाने के बहुत कम चांस हैं, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारे बच्चों के माइंड में ये बात चल रही होगी कि हम सिविल में इस बार सिविल में सिलेक्शन ले लेंगे जिनके अच्छे खासे नंबर बनने हैं, तो उससे यहाँ पर भर्ती में जो आपकी प्रक्रिया है थोड़ी गड़बड़ा जाएगी। इसलिए इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो आपकी दौड़ कराई जाएगी वो नवंबर के लास्ट तक ही आप मान के चलिए, यानी कि जब JTC पे बच्चे चले जाएंगे, और RTC भी साथ ही कराई जानी है उनकी, ये लगभग 22 दिसंबर के आसपास की डेट उन्होंने दे रखी है, तो तब यह प्रक्रिया आपकी जो है फिजिकल की कराई जाएगी। तो आज की वीडियो में ये जानकारी आपको देनी थी, ये अपडेट मुझे आपके लिए मिली थी। काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में वीडियो वायरल हो रही थी, काफ़ी सारी वीडियो सुबह से ही इस पर बन रही थी, लेकिन मुझे जो न्यूज़पेपर है आपका अभी मिला था, तो तब तक मैं आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं लेकर आता जब तक मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होता है ऑथेंटिक। तो मुझे न्यूज़पेपर मिला है, तो बिल्कुल मैंने इसकी कन्फर्म करके कि बिल्कुल रियल आपके लिए न्यूज़ है, तभी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी? अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो, जो भी भाई यहाँ पर वेट कर रहे हैं इसका, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और कोई भी जो भी भाई अभी तक चैनल से नहीं जुड़ा है उनसे कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल रियल जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ, ऐसा नहीं है कि फालतू की कोई भी चीज़ें मैं आपके लिए यहाँ पर
अपलोड कर देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं तब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी भाई चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।